स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 13. ओके सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 13. द क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग हेयर अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड. द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर. वॉट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ. अब आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, मतलब मान लीजिए ये आपका क्या है, सर्कल है. तो ये सर्कुलर फ्लावर बेड किससे सराउंडेड है, सराउंडेड मतलब वो किससे घिरा हुआ है, 4 मीटर वाइड पाथ से घिरा हुआ है. ओके तो ये जो पाथ है उसकी यहाँ पे मेज़रमेंट क्या गिवन है, 4 मीटर. 4 मीटर ओके, ये आपका क्या है, 4 मीटर. और आपको डायमीटर गिवन है सर्कुलर फ्लावर बेड का. ये जो फ्लावर बेड है इसका डायमीटर क्या गिवन है आपको, 66 मीटर. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. ओके दैट मींस पाथ आपका कौन सा है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, पाथ है, जो कि 4 मीटर वाइड है. ओके तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ दिस पाथ. अब हमें इस पाथ का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. ओके तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं. ओके गिवन दैट, अब आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, डायामीटर ऑफ फ्लावर बेड. ओके सो डायामीटर ऑफ फ्लावर बेड इज हेयर 66 मीटर. देन रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, रेडियस. तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर का हाफ. ओके रेडियस क्या होगा, डायामीटर का हाफ. दैट मीन्स 66/2 क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा 33 मीटर. ओके डायामीटर गिवन है ये आपको 66 मीटर, तो इसका हाफ आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस. ओके नेक्स्ट एरिया ऑफ फ्लावर बेड, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड. दैट मीन्स ये आपका क्या है, फ्लावर बेड है, तो इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है और यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर भी गिवन है और हमने रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है तो हम एरिया ऑफ फ्लावर बेड ये कौन से फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर. ओके सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर. यहाँ पे आर क्या है, आर इज इक्वल टू रेडियस. तो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है रेडियस 33 मीटर. ओके सो पाई आर स्क्वायर मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई बाय 33 स्क्वायर, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1089. 33 का स्क्वायर क्या होगा, 33 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1089. ओके सो नाउ वी मल्टीप्लाई दिस 3000, वी गेट हेयर आंसर 3419.46 मीटर. ओके तो पाई आर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया क्या आ गया फ्लावर बेड का, 34.46 मीटर. Now we have to find area of the flower bed. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, flower bed और path दोनों का area हमें साथ में निकालना है. ठीक है that means आपको क्या करना है यहाँ पे, ये आपका flower bed है और ये आपका path है, तो इन दोनों का area आपको क्या निकालना है, साथ में निकालना है. that means आपको ये complete portion आपको निकालना है, इसका पूरा area आपको निकालना है, path का भी और circular garden का भी. ठीक है so Now we have to find area of the flower bed and path together. So radius of flower bed and path together. तो यहाँ पे radius क्या हो जाएगा, flower bed और path का दोनों का, ये आपका क्या है flower bed. Flower bed का radius हमने क्या find out किया था, 33 meter. 33 meter. Okay. अब आपको इसमें path का जो radius है उसे भी include करना पड़ेगा. तो आपने question में देखा था कि path कितना वाइड था, 4 मीटर वाइड था. दैट मीन्स 4 मीटर वो वाइड था, तो ये पोर्शन कितना था, ये 4 मीटर था. दैट मीन्स 33 + 4, तब जाके तो आप ये पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया फाइंड आउट करोगे, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 meter + 4, दैट इज़ 37 meter. ये आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर. एरिया ऑफ द फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर, अब हम दोनों का एरिया निकालेंगे. अभी हमने क्या निकाला, रेडियस, अब हम निकालेंगे एरिया.
So area of flower bed and part together, that is pi r square. So 3.14 multiply by 37 square, that is 3.14 multiply by 1369. 37 का square क्या होगा? 1369. जब हम इन दोनों को multiply करेंगे तो कैसे multiply करोगे आप? Decimal को कैसे multiply करते हैं? 1369 multiply by, यहाँ पे decimal को अभी आप remove कर दोगे, ठीक है? तो आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे, 4 9 4 6 4 3 4 1 उसके बाद 1 9 1 6 1 3 1 1 उसके बाद 3 9 3 6 3 3 3 1 ठीक है? तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 4298.6. यहाँ पे आप डेसिमल क्या करोगे, आप देखोगे यहाँ डेसिमल कितने डिजिट के बाद में है, टू डिजिट पहले है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे टू डिजिट पहले आप यहाँ पे डेसिमल को पुट कर देंगे. ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ द पाथ. तो यहाँ पे पाथ का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर, एरिया ऑफ फ्लावर बेड. अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ पाथ, अब आपको पाथ का एरिया निकालना है. दैट मींस ये आपका फ्लावर बेड का एरिया है, ये आपका पाथ है, तो आपको सिर्फ पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है. तो ये आप कैसे करोगे, आप माइनस करके करोगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, दैट इज 4298.6 माइनस 3419.46. Here we get the answer. Hence the area of path is 879.2 meter. ठीक है, मतलब आपने इसमें क्या किया है, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया था. ओके, स्क्वायर फ्लावर स्क्वायर बेड का यहाँ पे आपने इसका एरिया फाइंड आउट किया, फिर आपने क्या किया, पाथ को भी इंक्लूड करके आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया. ओके, तो आपने दो एरिया यहाँ पे निकाला है, सबसे पहले आपने फ्लावर बेड का एरिया निकाला है, उसके बाद आपने पाथ को इंक्लूड करके एरिया निकाला है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे पाथ को इंक्लूड किए गए एरिया से आपने माइनस कर दिया है फ्लावर बेड के एरिया को. ओके, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 879.2 meter square. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग हियर, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14. अब आपको क्या करना है, आपको सर्कमफेरेंस निकालना है इनर सर्कल का, अंदर में जो सर्कल है, सपोज़ ये आपका इनर सर्कल हो गया, ये आपका क्या हो गया, आउटर सर्कल हो गया. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनर सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है. ओके, फिर आपको क्या करना है, आउटर सर्कल का भी सर्कमफेरेंस यहाँ पे निकालना है. ओके, तो आप इस ये कैसे फाइंड आउट करोगे, अब इनर सर्कल में आपको देखेंगे यहाँ पे डायमीटर जो है वो क्या गिवन है, आउटर सर्कल का यहाँ पे 19 meter गिवन है, 19 meter. ओके, इसी में आपका यहाँ पे इनर सर्कल भी इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और इसकी विड्थ जो है आउटर सर्कल की जो विड्थ है वो आपको क्या गिवन है, 10 meter गिवन है. ठीक है, तो चलिए हम इसको फाइंड आउट करेंगे. अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको सर्कल गिवन है. ओके, ये आपका इनर सर्कल हो गया और ये आपका आउटर सर्कल. ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर आपको गिवन है, एक डायमीटर आपको दिया गया है 19 meter. कितना, 19 meter. तो ये जो डायमीटर है वो किसका डायमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, सॉरी, ये जो रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कितना है यहाँ पे, 19 meter. तो ये रेडियस हम किसके लिए यूज़ कर लेंगे, आउटर सर्कल के लिए यूज़ कर लेंगे. ठीक है, अब इनर सर्कल के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ मेंशन है यहाँ पे, ये जो वाइड है वो आपका कितना है, 10 meter है. दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट 19. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 19 माइनस 10,
यू गेट हेयर 9 meter. दैट मीन्स इनर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा 9 meter. ओके नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. फ्रॉम द गिवन फिगर रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू आउटर सर्कल रेडियस माइनस 10. अब आप क्या करेंगे, इनर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आउटर सर्कल का जो रेडियस है उससे आप माइनस कर दोगे 10 को, तो आपको मिल जाएगा इनर सर्कल का रेडियस जो कि यहाँ पे है 9 meter. ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल. सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये जो बाउंड्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. तो आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज़ 2πr. तो अभी हमने रेडियस फाइंड आउट किया है. रेडियस क्या आया है हमारा इनर सर्कल का, रेडियस है यहाँ पे 9 meter. तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे 2 × π की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या है हमारा 9. ओके सो वी गेट हेयर आंसर 56.52 meter. तो इनर सर्कल, ये अंदर वाली जो सर्कल है इसका रेडियस क्या हो गया सर्कमफेरेंस क्या हो गया 56.2 meter. अब आपको क्या करना है, आउटर सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है. ओके तो आपको मालूम है कि आउटर सर्कल का रेडियस क्या है, आउटर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 meter. ओके आप देखेंगे यहाँ पे आउटर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 meter. ओके देयरफोर द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज़ 19 meter एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल इज़ 2πr विच इज़ 2 × π की वैल्यू क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस क्या है आपका 19 meter. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 119.32 meter. ये आपका क्या हो गया, आउटर सर्कल का रेडियस. ओके देयरफोर द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर सर्कल इज 56.52 meter एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल इज 119.82 meter. So you can see the answer. Okay, so this is our solution. Now let us see the next question. We will see here exercise 11.4. Okay, आज हम देखेंगे इस chapter में exercise 11.4 question number 1. The question number 1 is saying here a garden is 90 meter long and 75 meter broad. Okay, that means suppose ये आपका एक garden है. Okay, तो लॉन्ग कितना है, ये है आपका 90 meter लॉन्ग. ब्रॉड कितना है, 75 meter. ब्रॉड को आप यहाँ पे कह सकते हैं ब्रेड्थ. ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग है 98 meter और ब्रॉड है 75 meter. अ पाथ 5 meter वाइड इज़ टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पाथ बिल्ड करना है, पाथ. ओके आने जाने के लिए रास्ता भी तो बनाना है पाथ गार्डन के लिए. ओके तो यहाँ पे एक पाथ बिल्ड करना है जो कितना वाइड है, वो वाइड है 5 meter. कितना, 5 meter. दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है वो कितना है, 5 meter. ओके नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. अब आपको इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है, ये जो पाथ है. ओके ये पाथ है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर. अब आपको यहाँ पे एरिया ऑफ गार्डन भी फाइंड आउट करना है हेक्टेयर के फॉर्म में. तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं. ओके यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे, आपको गिवन है 90 meter लेंथ. आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, 90 meter. ओके और ब्रेथ आपको गिवन थी 75 meter. अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है, सपोज ये आपका क्या है, ये आपका गार्डन है, ये आपका पाथ है. ठीक है, तो गार्डन आपको बोला गया है कि 90 meter लॉन्ग है और 75 meter क्या है, वाइड है. अब इसमें पाथ बननी है यहाँ पे 5 meter.
वाइड, 5 मीटर वाइड यहाँ पे पाथ बननी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जब 5 मीटर वाइड पाथ को इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए इधर से 5 मीटर ऐड हो जाएगा, इधर से भी 5 मीटर ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले कितना था 75 मीटर, तो जब इधर 5 मीटर और इधर 5 मीटर ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 85 मीटर। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पाथ यहाँ पे कितना है, गार्डन कितना है, यहाँ पे 90 मीटर है। अब यहाँ पे जब इधर से 5 मीटर ऐड होगा, इधर साइड से भी जब 5 मीटर ऐड होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको भी जब हम ऐड करेंगे पाथ बनाने के लिए, तो ये पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा, 100 मीटर। इसका मतलब जो गार्डन से बाहर जो पाथ बनेगा तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरीमीटर 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन दैट लेंथ ऑफ द गार्डन इज़ 90 मीटर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी गार्डन की लेंथ कितनी है, 90 मीटर, ब्रेथ ऑफ द गार्डन बी इज 75 मीटर, और गार्डन की ब्रेथ कितनी है, 75 मीटर। ओके, देन द एरिया ऑफ गार्डन, तो गार्डन का जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे गार्डन का एरिया यहाँ पे किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा आपका 90 × 75 विच इज़ 6750 मीटर। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रॉम द फिगर, अब आपको फिगर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है द न्यू लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन, अब गार्डन की नई जो लेंथ और ब्रेथ है जिसमें हमने पाथ को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर और 85 मीटर, तो लॉन्ग कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, जो हमारी नई गार्डन फॉर्म हुई है पाथ को इंक्लूड करके, तो वो कितना हो गया है, 100 मीटर, और ब्रेथ कितना हो गया है, 85 मीटर। ओके, तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे, सो एरिया ऑफ द गार्डन विच इज़ 10 × 85 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओके, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8500 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे जो बाहर वाला जो गार्डन है, इसको हमने पाथ को भी इंक्लूड किया था इस गार्डन में, तो बाहर वाला जो गार्डन था उसको इंक्लूड करने के बाद हमारा एरिया आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ, अब हम पाथ का एरिया फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स ये आपका कंप्लीट गार्डन है, ये आपका पहले वाला गार्डन था, तो पाथ को भी इंक्लूड करके हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, हमने इनर पोर्शन का भी एरिया फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को रिमूव करके हम फाइंड आउट करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पाथ का एरिया कितना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पाथ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू एरिया ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, पाथ को इंक्लूड करके हमने जो नया एरिया निकाला है उससे हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ गार्डन, ये जो गार्डन का जो एरिया आया है इससे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा ये जो पाथ है, पाथ का एरिया वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे 8500 − 6750, तो आंसर आ जाएगा आपका 1750 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे हेक्टेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें मालूम है कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, हैंस द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर, तो यहाँ पर गार्डन हेक्टेयर के फॉर्म में कितना एरिया आएगा यहाँ पे, तो हमारा एरिया कितना आया है, 1750 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1000 यहाँ पे एरिया ऑफ गार्डन क्या है, 6750 मीटर स्क्वायर, तो इसको हम हेक्टेयर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो हेक्टेयर के फॉर्म में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6750 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.675 हेक्टेयर। ठीक है, हमने गार्डन, ये जो इनर पोर्शन में जो गार्डन था इसका हमने यहाँ पे हेक्टेयर के फॉर्म में फाइंड आउट किया है एरिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.675 हेक्टेयर। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।